मैच बढ़िया फिनिश किए। सुमित पाटिल देखिए यहाँ पर अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए भाई। 33 का टारगेट है शायद, क्या विश्वजीत मात्रे को जल्दी बुलाया जाएगा? हाँ मुझे लगता है विशाल जीते कर यहाँ से लेटिंग रोल निभाएंगे शायद, गेम को आगे तक चलाएंगे और विश्वजीत मात्रे का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और कहते हैं ना लोहा गर्म है तो भाई हथौड़ा लगाइए तभी उसका आकार बदलता है, लेकिन से कभी कभी कहा जाता है ना छोटा सा टारगेट है को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। और मेरी स्पोर्ट्स कुंडवाल टीम है, अगला मैच देखिए हमारे बॉस फाइटर टीम है, कितना आपको तैयार रहना होगा। कुंडवाल की देखिए दूसरा टीम है समाधान वास्कर 1K47। अगला मैच रहेगा लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कंचन सर कि पिछले मैच में विश्वजीत मात्रे ने इनिंग को जहां समाप्त किया था क्या वहीं से शुरुआत करेंगे। 35 रन था आखिरी ओवर देखिए, कुणाल आज चैन का दोपहर का लंच नहीं कर पाएंगे। और जहां पर 83 रनों के टारगेट से और आखिरी ओवर में 35 रन लुटा देना जैसे घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना, लेकिन देखते हैं क्या विश्वजीत मात्रे वो खुशियां जो लूटे थे यहां पर और चोले टीम के साथ और खुद की घर में खुशियां भर देती और उस खुशियों को देखिए गेंदबाजों ने अच्छे काम किए हैं। हर गेंदबाजों ने विशाल जीते कर 4 रन खर्च किए थे। और ये चलिए टायरेटीट बड़ा विकेट क्या हो सकता है, तीसरे अंपायर की तो मांग की गई है लेकिन से फील्डिंग वाली टीम का देखिए मनोबल बता रहे हैं और विशाल जीते कर देखिए मैदान छोड़ने लग चुके हैं। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो अंपायर ने यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद मांगी है क्योंकि कहीं नजर क्या धोखे खाए हैं। विशाल जीते कर तो रुकेंगे लेकिन शायद उनका कॉन्फिडेंट बता रहे हैं बहुत दूर रह गए शायद। सचिन जीते कर नहीं है निश्चित रूप से, फिर भी देखते हैं अगर तीसरे अंपायर के लिए आसान रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अंपायर को जरूरत गिरा तो अगर क्लोजिंग मामला है तो फिर हम मेन अंपायर को बुला सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना क्लोजिंग है। देखिए विशाल जीते कर इसलिए देखिए उन्होंने विकेट छोड़ दिया था और इसलिए तो कहते हैं ना भाई आसान से चीजों को कभी हल्के में मत लीजिए। सुमित का विकेट गिर चुका है, विशाल जीते कर का विकेट गिर चुका है और विश्वजीत मात्रे कैसे यहां पर प्रेशर को हैंडल करेंगे ये बहुत बड़ी बात रहेगी। नए बैटर्स प्रशांत कामले देखिए यहां पर से बल्लेबाज के लिए उतरे हैं। विश्वजीत मात्रे के ऊपर फिर से मैं कहूंगा वो जिम्मेदारी बन गया, क्या दबाव डाले यहां पर से फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा खुद अपने फॉलो थ्रू में देखिए संतोष कट करें देखिए। और ये चलिए भाई आज ये नहीं रुकेंगे भाई, छोटा गेंद यानी मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया और बैटर देखिए अभ्या छोटा गेंद देखकर दीवाना हो गया और जीवन गावन सर देखिए थोड़ी सी अनोखे अंदाज में छक्का दिए। जानते हैं इस समय छक्का एक क्रिकेटर एक खिलाड़ी के लिए कितना अहम रहता है, जहां पर दो मूल्यवान विकेट आपके गिर चुके हैं अहम विकेट। और विश्वजीत मात्रे देखिए ये भाई नहीं रुकेंगे, ये उनकी स्वाभाविक खेल खेलेंगे। ओह इस बार देखिए विकेट की जड़ में सम्मान दिया और क्या सिंगल लेना चाहते थे। ये विश्वजीत मात्रे ये वीरेंद्र सहवाग हैं, ये सिंगल लेना ज्यादा पसंद नहीं करते, जोखिम लेना इसलिए तो विशाल जीते कर का विकेट यहां से गिरा क्योंकि विश्वजीत मात्रे के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन जो रनिंग बिटवीन गट्स थोड़ा संभल कर खेलना होगा। हेलीकॉप्टर देखिए बात करेंगे इस विकेट के बीच से गुजरा और इस बार देखिए क्या हवा में गेंद है, क्या फील्डर को बीट कर पाएंगे यहाँ पर। और ये देखिए भाई एक हाथों में कैच लेने की कोशिश की, ओहो चिंगो चिंगो घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना, ये कैच होता तो फिर मैं कहूंगा मैच मुट्ठी में ले लेती हूँ, कैच नहीं छोड़ा मैच छोड़ा भाई। बॉस फाइटर संघाचा कर्णधार आणि आशिष स्मृती संघाचा कर्णधार लवकर लवकर टॉस साठी संपर्क करा।
जर तुम्ही वेळ केलात तर सामना कमी षटकात खेळवला जाईल असा कमिटीचा निर्णय आलेला आहे, तर आपण सरकार करा लवकर लवकर यायचं आहे। हो टू बाबूशा, तो चलिए अगला मैच है, दोनों कप्तान देखिए तैयार रहना होगा। संजय पाटिल सपोर्ट बॉस 40 प्लस के अध्यक्ष, टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे। यहाँ पर से 9 रन बनाए और जहां पर बात करेंगे 33 का पीछा करना है, 18 गेंद 24 की जरूरत है। समाधान काटकरी देखिए गेंदबाज के लिए आएंगे, बल्लेबाजी थोड़ा सा कंजन से नजर घुमाते हैं एक बार। बड़ा स्कोर क्यों नहीं बना, क्योंकि कोई बैटर यहाँ पर लंबा इनिंग्स नहीं खेल पाए। 1-8 रन सबसे हाइस्ट स्कोर सेलेस बुल 8-4-2-3। लेकिन विश्वजीत मात्री का क्या फॉर्म में वापस आना इस टूर्नामेंट के साथ साथ टेनिस क्रिकेट में, लगभग देखिए बात करेंगे 70% क्रिकेट से आगे निकल चुका है, लेकिन जो 30-40% क्रिकेट टेनिस में हंगामा बचा है। और इस हंगामे में प्रशांत कामले देखिए पर बात करेंगे, बड़ा हिट खेलना चाहते थे, थोड़ा बारकिया कामले का झलक दिखाई दिया था, ऐसा बैठ कर दूर से खेल देते हैं ऑफ साइड पर, कवर को और पॉइंट को फाड़ देते हैं निश्चित रूप से। प्रशांत कामले देखिए बात करेंगे लेदर के, और देखिए यहाँ पर वही शॉट देखने को मिला, कवर ड्राइव, एक रन, इन्हें यही काम करना होगा भाई, क्योंकि जब तक विश्वजीत मात्रे हैं मेरे हिसाब से इन्हें बड़ा हिट खेलना बहुत जरूरी नहीं है। यहाँ पर समाधान काटकर टीम का स्कोर देखिए जाकर 11 रन, पहला ओवर में 9 रन और इस ओवर में देखिए 2 रन आता हुआ। पहला गेंद वाइड था, देखिए अभी भी यहाँ पर 17 गेंद और 22 की जरूरत है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, इस बार भी देखिए ऑफ स्टॉप के लाइन पकड़ के गेंदबाजी करते हुए दुर्गानाथ चुरके सर देखिए बात करेंगे। अंपायर कीपर भी देखिए बहुत दबाव रहता है जब सामने दिग्गज टीम रहते हैं, और जब यूट्यूब के माध्यम से जब मुकाबला कवर किया जा रहा है तभी से अंपायर के लिए थोड़ा मेहनत और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कंजन सर इन अंपायरों ने करके भी दिखाए हैं। विश्वजीत मात्रे यहाँ पर हवा में गेंद था, नोमेनलेस बाल बाल बचे, यहाँ पर शायद थोड़ा कवर को डीप रखा गया था, और 2 रन देखे कितनी इत्मीनान से। विश्वजीत मात्रे देखिए यहाँ पर से अच्छा दिन कहीं ना कहीं बनता का, कहते हैं ना बुरा वक्त रुलाता है लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाता है। विशाल चितेकर का रनआउट, तो चलिए यहाँ पर विश्वजीत मात्रे देखिए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी भी देखिए बात करेंगे तो यहाँ से 14 गेंद और 19 की जरूरत है। चला या लवकर लवकर टॉस साठी बॉस बैटर ओवळे आणि आशीष स्मृति कुंडेवाल, टाइम पास करू नका, तुम्ही काय फिरायचं असेल तर नंतर टॉस झाल्यानंतर बिंदास फिरा, पूर्ण वेळ दिला जाईल, पण आता मात्र टॉस साठी संपर्क करा। सागर देखिए यहाँ से धीरे धीरे ऑन फायर होते हुए जानते हैं, एक बड़े उन्हें भी सम्मान रिस्पेक्ट दिया जाता है निश्चित रूप से। देखिए बटू सेवन आधीच वेळ झाला, या ऊन भरपूर लागतोय, आणि बॉस फायटर संघाचा कर्णधार अश्विन पाटील आपला दुसरा कॉल असेल, आपण टॉस साठी लगेच संपर्क करा, तर वेळ झाला तर कमिटी मात्र षटक कमी करेल, मी काय बोलत नाही। कल साई स्पोर्ट्स ओले प्रीमियर लीग में अश्विन पाटील ने 3 अर्धशतक दागे थे, 60 रन बनाए थे, आज शायद उस फॉर्म को लेकर से इस मुकाबले में बढ़ेंगे। लेकिन विश्वजीत मात्रे देखिए इनका थोड़ा सा फॉर्म में वापस आना, कंचन सर बहुत संघर्ष कर रहे थे, ये आवाज में दम है, अभी अभी आवाज सुनी और अभी आए दोनों भी। समाधान वास्कर या लवकर लवकर टॉस करतील आमचे रवींद्र जितेकर साहेब यांच्या शिवास्ते, दोन संघा दरम्यान नाणेफेकी होईल, एकामध्ये असतील बॉस फायटर अश्विन पाटील आणि त्याच्या समेत असतील AK-47, तर किशोर कुडावकर साहेबांच्या शिवास्ते नाणेफेकी होईल अश्विन पाटील आणि समाधान वास्कर, बॉस फायटर ओले आणि आशिष स्मृती कुंडेवाल असा सामना असेल। तर वळूया जाऊया ऐकूया पुढचा शेर शेरचा बेताल भाषा बाबूचा आवाज। चिने सागर अभी तक आपने तोते की आवाज नहीं निकाले, दापोली टीम देखिए यहाँ पर से 12 गेंद है 16 की जरूरत है, 8 की औसत से रन बनाना होगा, मैदान पर पानी लेकर चाहिए, 16 की जरूरत है। देखिए यहाँ पर से अगर 15 भी निकालते हैं तो सुपर ओवर तक पहुंचेगी, मुझे नहीं लगता है पिछला मैच जितना दिक्कत था, देखिए
छह गेंद के ऊपर 35 का जरूरत है, और यहाँ पर देखिए छह पर 12 गेंद के ऊपर 16 की जरूरत है। सागर क्या कहना चाहोगे पर अगला मैच का टॉस भी किया जा रहा है। किशोर कड़ो का साहब सुभाष से टॉस होता है। रतन भोईर अश्विन पाटिल, आशीष स्मृति कुंडेवाल बॉस फाइटर ओवले संजय दादांचा संघ। टॉस का कॉल लागला तो मात्र टॉस कोण जिंकला काय निर्णय असेल रतन भोईर? तर बोलूया जाऊया ऐकूया पाहूया बाबू साहेबचा आवाज। तो श्री सागर पाटिल बहुत बहुत आपका स्वागत है। सागर सर अभी बनते हुए यहाँ पर से, लेकिन इस मैदान के ऊपर देखिए पानी, और सागर कहा जाता है ना कीमत पानी का नहीं कीमत प्यास का होता है, और कीमत चौके छक्के का नहीं कीमत एक अच्छा इनिंग का होता है। देखिए विश्वजीत मात्रे पिछले मैच में बहुत हावी बल्लेबाजी कर रहे थे, और जैसे 2 विकेट गिरा यहाँ पर संयम दिखाए छक्के दागे, लेकिन उसके बाद देखिए सेंसिबल क्रिकेट। और प्रशांत कामले देखिए यहाँ पर से पूरी देखिए लेदर सीजन क्रिकेट का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा ओवर गेंदबाजी के लिए देखिए यहाँ पर संजय वास्कर। और अभी तक देखिए बात करेंगे विश्वजीत मात्रे को थोड़ा बांध कर रखे हैं, बड़ा हिट का मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कितना समय आप बांध कर उन्हें रखेंगे ये आने वाला वक्त समय बताएगा। 15 रनों की जरूरत है, देखिए अभी भी 11 गेंद जानते हैं, पिछला मैच जब 6 गेंद पर बंदा 35 बना सकते हैं तो फिर जल्दबाजी की क्या जरूरत है, 11 गेंद 15 की जरूरत है, बचेंगे तो और लड़ेंगे। प्रशांत कामरे देखिए यहाँ पर विश्वजीत मात्रे शायद तैयार नहीं थे, शायद सिंगल हो सकता था, इनका रनिंग बिटवीन को लेकर यहाँ पर विशाल जी देकर बहुत परेशान है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 10 गेंद 15 की जरूरत है, बतौर लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं और बड़े इत्मीनान के साथ देखिए सिंगल लेते हुए। और यहाँ से देखिए बात करेंगे 9 गेंद देखिए यहाँ से और 14 की जरूरत है, से चाहते मुकाबला को और करीब नहीं लिया जाए। विश्वजीत मात्रे देखिए कैप थोड़ी सी ऐसे निकालते हुए जो सर पर दबाव प्रेशर था वो हटा रहे हैं, और खुली हवा खाने के साथ साथ अब एक बड़ा हिट इसकी तलाश रहेगी। लेकिन सामने देखिए बतौर लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं संजय वास्कर, और ये चलिए खोद कर निकाला है फील्डर से थोड़ा दूर, अगर करीब होते तो क्या आज का मौका बन सकता था, आज किस्मत का भी देखिए बहुत बढ़िया साथ है। अंपायर इंतजार ले रहे हैं, मुझे तो लग रहा है साथ गेंद 6 के लिए गया है, तो चलिए या अंदर है, चलिए फील्डर आप भी बता सकते हो। वैभव भूर है यहाँ पर, क्या वैभव भूर आप डिसीजन वहां पर दे सकते हैं? चार रन यहाँ पर शायद फील्डर थोड़ा दूर थे, लेकिन देखिए इतनी दूर से नजर चलाना आसान नहीं रहता है, मैंने ये बात कहा। चौके दागने के बाद देखिए यहाँ पर सिंगल आता हुआ, और समीकरण देखिए यहाँ से बदल जाएगा पूरी तरह से। देखिए यहाँ पर 5 गेंद हो चुका है, टीम का स्कोर देखिए 24 रन है, और जीत के लिए देखिए अभी भी यहाँ से 9 रनों की जरूरत है, और 7 गेंद से ऐसे प्रसाद कामली के यहाँ पर बड़ा हिट खेलेंगे या स्ट्राइक रखना चाहेंगे? और ये चले ना बड़ा हिट खेले ना सिंगल लिए, लेकिन विकेट दे बैठे। 6 गेंद 9 की जरूरत है, फिर से विश्वजीत मात्रे क्या इस नैया को पार लगा पाएंगे? 6 गेंद 35 की जरूरत है, लेकिन 6 गेंद इस बार 9 का जरूरत है। कंचन सर हमेशा वो इतिहास हिस्ट्री आपके सामने नहीं आता है, कभी कभी कहते हैं ना आसान से चीज आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। सुरेश जीते कर देखिए राइजिंग स्टार हम कह सकते हैं। प्रसाद कामले देखिए बात करेंगे, एक समय था प्रसाद कामले की और सुमित पाटिल की साझेदारी बहुत खतरनाक साबित होते थे। चलिए रुसे भूर क्या अगले बैटर के लिए तैयार रहेंगे या विश्वजीत मात्रे इस मुकाबले को फिनिश करेंगे? अपोलो टीम के स्टार खिलाड़ी है विपुल, ये काफी बढ़िया फील्डर है, लेकिन अभी वो एंगेजमेंट होने के कारण वो अभी बैठे इधर आराम कर रहे हैं। 9 रनों की जरूरत है भाई, और जहां पर मुकाबला अगर टाई होता है तो सुपर ओवर, मुझे नहीं लगता है अगर विश्वजीत मात्रे 4 गेंद भी खेल गए ना तो मुकाबला नहीं पहुंचेगा 5वां गेंद तक। अगर यहाँ पर कुंडवाल टीम को ये मुकाबला जीतना है मेरे लिए से, तो सबसे पहले देखिए कहते ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो
और बिश्वजीत मात्रे देखिए, ये मामले साहब ने ये कंचन सर जानते हैं, ये भाई अजगर है, दस्ता नहीं निकलता है। जहां पर पिछला मैच देख लिए 6 गेंद पर 35 रन, सत कुणाल घरत अभी भी इस मैच को नहीं भुला पा रहे होंगे। 83 रनों का टारगेट था, याद सताए तेरी और गेंदबाजी के लिए। संदीप भोईर देखिए, कुंडवाल कहा जाए तो दो तीन आवाज भी वहां पर रहती है। कॉमेंटेटर की बात करेंगे कंचन सर, नरेश दादा गंगरे देखिए बात करेंगे, शायद संदीप दादा भोईर भी यहाँ पर से कॉमेंटर, इनका भी आवाज रहता है, लेकिन एक अच्छे क्रिकेटर्स। तो चलिए 6 गेंद 9 की जरूरत है यहाँ पर। रख भरोसा खुदी पर, क्यों ढूंढते हो परिश्ते, परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। विश्वजीत मात्रे ने भरोसा रखा है और नक्शा भी पास रखा है। और ये चलिए स्लोअर गेंद, जाल में फंस गए, क्यों रिवर्स खेलने गए यहाँ पर, शॉर्ट पॉइंट तैनात था भाई यहाँ पर, और ये रिवर्स की गलती कितना कीमत चुकाना पड़ेगा। जब सीधे बल्ले से आप इतना बड़ा हिट लगा सकते हो, रिवर्स खेलने की क्या जरूरत है। सरदर्द बड़ा था वहां यहां पर, और ये कैच नहीं था भाई ये मैच। और रिवर्स शॉट देखिए, क्यों दशरथ सर ने वो शब्द निकाले थे, कारण यही रहती है भाई, लगी तो आबाद है, नहीं तो कर देगी खुद को बर्बाद। और क्या यहाँ पर देखिए, अगर यही चौका हो जाता ना, हम कहते थे भाई विश्वजीत मात्रे ने क्या दिमाग का इस्तेमाल किया। लालच था भाई, एक ही फील्डर पॉइंट पर थे, और वो भी क्या देखिए, ऐसा लगा कि उनकी गोद में जाकर पहुंच गए। विशाल भोईर थे भाई, और गेम खुल चुका है यहाँ पर, 5 गेंद 9 की जरूरत है। ऋषि भोईर इनके पास क्षमता ताकत है, ये ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाते हैं। गेंदबाजी में बात करेंगे, यहां पर से 9 रन खर्च किए थे, लेकिन यहां पर बनाना है 9 रन। ऋषि भोईर के सामने देखिए, यहां पर विशाल पहुंच गए, यहां पर से संदीप भोईर से कहा नहीं, यहां पर वैभव भोईर को थोड़ा सा चेंज बदलाव किया गया। बड़े हिट के लिए देखिए कैचेस पोजिशन में जाकर पहुंचते हुए, बहुत माइंड सेट गेम आजकल टेनिस क्रिकेट खेला जा रहा है। विशाल भोईर देखिए अपने यहाँ पर माइंड को सेट है, यहाँ पर बदलते हुए, और देखते हैं ऋषि भोईर देखिए बड़ा हिटिंग के पास खेमता है, और जाल में फंसी भाई, हल्दी लगाने के बारे में सैनिटाइजर मत लगाइए। एक धाव संख्येने खातं खोलतोय ओले संघाच, संघाची धाव संख्या 1 बिनबाद। 5 षटकांचा सामना असेल पहिल्या सत्रातील, हा अश्विन पाटील आणि अभिषेक आणि चेंडू बिरकावून दिलाय अश्विनच्या बॅटवरून दिलाय हा पहिला चौकार, संघाची धाव संख्या 5। बॉलर ना माहित तुम्हाला, कुंडेवा संघाने बाजी मारली या स्पर्धेमध्ये, आता मात्र दुसरा कुंडेवा संघ खेळतो आहे अगेन्स्ट ओवले संघाचा, बॉस फाइटर ओवले विपक्ष आशिष स्मृती कुंडेवाल। पुन्हा एकदा चेंडू गेलाय अश्विनच्या बॅटमधून आला हा षटकार, संघाची धाव संख्या धावकर लागतो ती मात्र दावा झाल्यात आतापर्यंत 11। थोडासा इंटरव्हल झालाय, लंच ब्रेक झालाय, आणि आमचा बाबूशी आणि कांचन पालकर लंच ब्रेक करायला गेलेत। 1-2-8 विश्वजीत मात्रे।
दरम्यान पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होतोय. 5 षटकांचा सामना, 30 चेंडू, 23 तरार. आणि पाहतो आपण जयमान क्रिकेट संघ पुरस्कृत स्वर्गीय रघुनाथ शेठ जितेकर स्मृती चषक 2023 पहिला दिवस स्पर्धेचा. आणि तब्बल 16 संघांना प्राधान्य आमंत्रित करून 1 लाखाची टुर्नामेंट. आमचे JWRचे उत्कृष्ट क्रिकेटर प्रतीकभाई पाटील यांचं आगमन झालं, सरसेचे स्वागत. स्पर्धेला आम्ही पण हजेरी लावली होती, JWR ट्रॉफी पण बॉसची स्पर्धा पण होती, पण इथे मात्र सुंदर अशी स्पर्धा चालू आहे. रघुनाथ शेठ जितेकर स्मृती चषक 2023 16 संघांना तब्बल 1 लाख रुपयाची टुर्नामेंट खेळण्याचं मनसुबा माणस जो मिळवून दिला आहे तो मात्र प्रकाश शेठ जितेकर, रवींद्र जितेकर, दयानंद जितेकर, प्रल्हाद जितेकर, अनुज जितेकर, सौरभ जितेकर आणि सर्व ग्रामस्थ मंडळ दापोली यांनी. आमचे अमित रमेश जितेकर बघा जबरदस्त गोलमॅन आहेत. तर मी पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. कवर पॉईंट क्षेत्राकडे चेंडू भिरकावून दिलाय, एक धाव तर पूर्ण केली, दुसऱ्या वेळीचा प्रयत्न होतोय आणि आता मात्र इथे काय होऊन बसलंय, थोडीशी चुकी आला आणि आता मात्र थोडासा वेळापणा गेला आहे आणि फलंदाज मात्र बॅटचा पॅवलियन. नवीन फलंदाज जस्ट 40+ झालेत, प्रतीक पाडेल 2 नंबर. बघूया सासरवाडीला जावई काय करतात. प्रतीक पाटील खेळण्यासाठी सज्ज आलात. मिडल ऑर्डरचा फलंदाज आमचे मित्र रवींद्र जितेकर आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत. अभिषेक हा बाद झालाय, तर नवीन फलंदाज प्रतीक पाटील मैदानाच्या आतमध्ये. तर स्कोर झालाय आमचे सागर पाटील सांगतील आम्हाला, 12 धावा धाबरकावर आमचे सुदर्शन उर्फ दिल्लू आता फिरतो इकडे तिकडे बघतो आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा कार्पेंटर खिरकाला, मिडिकल क्षेत्राकडे सुरक्षेत्रक्षा मारला, मी तर सुंदर फिक्की होतोय. तर बॉस फायटर म्हणजे संजय दादा पाटील यांच्या नावाने हा संघ उतरलाय. तर संजय दादा पाटील आले असतील तर त्यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या समाज कक्षामध्ये येऊन स्थान ग्रहण करायचं आहे. रायगड 40+ मास्टरचे अध्यक्ष आणि ज्यांच्या माध्यमातून रायगड प्रीमियर लीग रंगली मानगर मैदानावर. पुढचा चेंडू अश्विन पाटील एकदम प्रहार प्रहार करतोय आणि संघाची धावसंख्या 5 षटकांचा सामना आहे. चिंचवाड्याच्या मैदानातनं पहिली बाईक, नंतर वाकडीच्या मैदानातनं दुसरी बाईक मिळवणारा 1 AK-47 समाधान वासकार. चला जास्त टाइमपास करू का विशाल विशाल जितेकर. आज मात्र 8 संघ गेलतील आणि उद्या मात्र 8 संघ गेलतील, 8×16. उत्कृष्ट आयोजन आहे, दर्जेदार आयोजन आहे. आपण बॅनर पाहतो डेल्टा अनुज एंटरप्राइजेसचे बॅनर पाहतो, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स. आमचे 2 पंच सुद्धा लंच ब्रेकसाठी आले आहेत, जीवन बुवा गावन आणि दरकानात सुरगे दाढीला चोलतात स्पर्श करतात. KDS स्पोर्ट्स वागीलवाडा संघाचा एक तारणहार खेळाडू. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात, पाहूया किती धावांचा डोंगर उभा करतोय तो मात्र ओले संघ आणि त्यांच्या आगेस कोंडेवाल संघ. आगळी वेगळी हेअरस्टाईल आहे, गोलंदाज आपण पाहतोय मोनिश हाताला माती स्पर्श करतो, धरती मातेला नमस्कार करतोय. बघूया माझी गोलंदाजी इथे कशा प्रकारे होतो आहे. अश्विनला चकमा दिलाय, चकवलाय, हुकवलाय, फसवलाय, थकवला आणि अश्विनची केली आली संपुष्टात. गडीबात आमचे पंच बघा काय प्रोफेशनल पंच आहेत, क्वालिफाईड पंच आहेत. विशाल जितेकर कॅप्टन गोल दापोली आणि अकोला एक्सप्रेस डाकोरा गोलंदाज ज्यांनी एकाच मॅचमध्ये 2 षटक मिळवून टाकली, ते पण अंजूरच्या विरोधात, ते संदीप चव्हाण. आयुष म्हात्रे बढिया है जीवन गावन. यानी कि इस मैदान के अंदर कारनामा करना पड़ेगा, यानी कि अगर इस मुकाबले में जान लाने हैं, जितना है वापस में खेलना है
तो लंबे लंबे छक्के चौके दादने पड़ेंगे इस मैदान के अंदर। ये क्रिकेट है, ये खेल है बच्चों का, यहाँ पे तेल निकलते है अच्छे अच्छे का। और हमारे बाबू साहब आए हैं, काय बोलतो तू, पुढचा चेंडू बघा काय दर्जेदार गोलंदाजी करतोय तो। मात्र मोनिश हेअर स्टाईल एक नंबर आहे, पण गोलंदाजी पण जबरदस्त स्टेजला धार आहे। आतापर्यंत पूर्ण मदर, पूर्ण जिम्मेदारी, पूर्ण जबाबदारी येऊन ठेपलेली आहे ती मात्र प्रत्येक पाटीलच्या खांद्यावर। बॉयज फायटर ओले संघ या मैदानामध्ये मात्र विलित नवीन फलंदाज अश्विन पाटीलच्या नेतृत्वाने संघ उतरलाय, पण तो कामगिरी चांगली होताना दिसत नाही। गोलंदाजीची धार मात्र जबरदस्त पाहायला मिळतोय। दोन्ही जवळचे संघ आहेत, एकमेकांचा खेल माहित आहे, थोडासा अंतर आहे गावामध्ये। कुंडेवाल आणि ओले अद्वैत एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वार अमित रमेश शेठ जितेकर यांना आपण पाहतो। धाबा झाल्यात त्या मात्र मारत नाही, 14 जोरदार अपील, काय गोलंदाजी होतोय, जबरदस्त गोलंदाजी। उलटी टप्पी घालून आला समाधान वास्कर कुंडवालवाला, 10-12 पावलांपासून एष्ट्यांपासून थोडासा वंचित आहे। 10-12 पावलांचा स्टार्ट आहे गोलंदाज मोनिश पाटील पाटील याचा। काय गोलंदाजी होतोय, आणि पंचा विशाल जितेकर सरांचा इशारा आला की हा शिवर मारा पाहायला मिळतोय। अतिरिक्त धावेत भर, संघाची धावसंख्या 15 धावा। 5 षटकांचा सामना आहे, 15 धावा धापरकावर लागल्यात, तर पाहूया पुढचा चेंडू। पुन्हा एकदा दिशा दिली चेंडूला फक्त, आणि सूर्य क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो आहे। आता मात्र स्ट्राईकला आलेत प्रतीक पाटील उर्फ भाई। षटकातील पुढचा चेंडू पडतो, या षटकातील बघूया काय करतोय मोनिश। आणि भाईने आता मात्र चेंडू भिरकावून दिला आहे, सर्वात लांबीचा गगन चुंबी गिली गिली जंबा खुशी रे भाई लगा ठकप ठक छे। 6 धावा, 6 धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकतोय, 6 ने वाढून स्कोर झाला आतापर्यंत 15 होत्या 22। द ग्रेट खल्ली कांचन पालकर मॅन फ्रॉम केवाले, 22 धावा दापोलकावर लागल्यात, सुंदर अशी कामगिरी पाहायला मिळतोय। दापोली गावामध्ये क्रिकेटचा कुंभमेळा, जे हनुमान क्रिकेट संघ पुरस्कृत स्वर्गीय रघुनाथ जितेकर स्मृती चषक 2023। पुढचा चेंडू या षटकातील मोनिश सापडतोय, पुन्हा एकदा कार्पेटर चेंडू खेळकाला सुरक्षित रक्षण पाहायला मिळालं। रतन भुईर स्वतः संघाचा संघ मालक आहे, संघ नायक आहे। दोन षटक कंप्लीट झालेत, 5 षटकाचा सामना आहे पहिल्या फेरीतला, 23 धावा, 5 षटकाचा सामना आहे। बघूया सुंदर कामगिरी करावी लागेल, प्रयत्नाची पराकाष्ठा करावी लागेल, प्रयत्न करावे लागतील की ट्रॉफी पाहिल्यानंतर मन भरून जातोय। वर्ल्ड कपला जशा ट्रॉफी असतात ना तशा ट्रॉफी आहेत, चमचमणारे चषक। तेवीस धावा दाबलकावर, शुभम भोपी आमचे जरा आस्वाद घेतात लंचा जी 24 लाईव्ह, क्वालिटी क्लॅरिटी पर्सनॅलिटी जबरदस्त, संदेश पाटील अँड कंपनी 24 लाईव्हने टीम पण तयार केली खेळण्यासाठी, जबरदस्त इन्फॉर्म मध्ये आहेत। इस वक्त हमारे सुमित भाई पाटील डीपीएल की कोशिश करते हैं कि कौन सी टीम में किम का कैप्टन होने का, और इस साल में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गए साल में भी आगे आए थे सुमित पाटील, दरम्यान पुन्हा एकदा सामना सुरुवात। आता मात्र रिवर्स शॉट मारेपर्यंत आणि चेंडू जातोय, 4 धावेसाठी चौकार, चेंडू द्यायचा लगेच,
धाबा झाला त्या मात्र स्कोर झाला आतापर्यंत धाबा धावफलकावर 27 धावसंख्या धावफलकावर लागलेली आहे। तर गोलंदाज आपण पाहतोय जानी प्रकाश वास्कर पुन्हा एकदा प्रतीक रिवर्स शॉट लगवण्याचा प्रयत्न करतोय चेंडू मात्र खाली बसतोय खाली राहतोय फलंदाज फसतोय। तर प्रकाश वास्कर याचा पुढचा चेंडू प्रतीक एक जबरदस्त खिलाडू आहे प्रतीक पाटील पुढचा चेंडू यष्टीरक्षक बघा किती जोरात ने अपील करतोय AK-47 समाधान वास्कर आणि प्रतीकची विकेट अतिशय महत्त्वाची आहे त्यांना माहिती आहे जर प्रतीक टिकला तर मात्र धावांचा पाऊस परंतु बघूया क्रिकेट आहे काय होऊ शकतो। प्रकाश सापुरता चेंडू फुलटॉस आणि आलाय स्पर्श करण्यासाठी समाजाच्या कक्षाला सलामी देण्यासाठी चेंडू आलाय चौकार चेंडूचा चेंडू अटकलाय मांडवावर सामना थोड़ा सा थांबलाय तर स्कोर झाला आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती मात्र धावफलकावर 27 चेंडू द्या दुसरा सामना थांबलेला आहे नो आणि बॉल दे बॉल चौकर बत्तीस पुढचा चेंडू संदीप पुढचा चेंडू फील्ड असेल पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात प्रकाश वास्कर यांचा चेंडू फील्ड प्रत्येक पाटील साठी चेंडू पडलाय कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही तिकडे चेंडू जातोय सिमर्शीला गवसणी घालण्यासाठी हा आलाय विशाल जिदेकर सरांचा इशारा आलाय चौकार संघाजी दास काय धमका लागतोय छत्तीस धाव धापकावर पाच षटकांचा सामना आहे दास काय झाली ती मात्र 36 सुंदर अशी कामगिरी करावी लागेल प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल प्रयत्न करावे लागतील दोन वाजून 22 मिनिटं झालेले आहेत पुढचा चेंडू या षटकातील जबरदस्त चेंडू एकदा आतापर्यंत पुढे गेले दिसाव घेण्याचा प्रयत्न बघूया क्षेत्ररक्षक वेगाने तो चेंडू उचलणार फेकणार तोपर्यंत दोन धावा देखील पूर्ण तिसरीसाठी कॉलिंग परंतु नकार आणि या दोन धावीने संघाची धावसंख्या लागतो ती मात्र 38 धावा धावफलकावर तिसरे षटक प्रगतीपटावर प्रकाश वास्कर यांचा आशिष स्मृती कुंडेवाल आणि बॉस फायटर ओवले असा सामना चालू आहे पुढचा चेंडू आणि फलंदाज मात्र बाद होतोय प्रतीक पाटील लेग बिफोर द विकेट
प्रसाद गायकवाड़ आता मात्र थोड़ा सा जे दड़पण होता ते मात्र कमी झाले संघावर तर स्कोर झाला मात्र 38 38 जावा दापल कावर तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी उमटावर आलाय वैयक्तिक दुसराने सांगितलं चौथे षटक घेऊन मोनिश पाटील षटकातील पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार केलाय कॉटन बॉल फलंदाज बाद होतोय नवीन फलंदाज मैदान मध्ये जातोय तो मात्र हिंदी मध्ये जबरदस्त सर्वांना गारद करतोय समाज क्षेत्रामध्ये असा फलंदाज प्रशांत मुंगाजी पाणी द्या रे बाबा प्रशांत मुंगाजी जरा धावत जा उन्हाचा तडाखा आहे मोठे जीला 50 धावा मारून आलाय म्हणजे इथे मात्र किती धावांचा डोंगर उभा करतोय बघूया प्रशांत मुंगाजी मोनिश सफरचा चेंडू बिंदास टाक आता मी कायच बोलत नाही एक धाव पण पूर्ण केलेला दुसरा घेण्याचा प्रयत्न बघूया धोका होऊ शकतो आहे आणि दोन धावा सहज गत्या काढू वाट दोन धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकतोय धावपकडावर धावा लागतात त्या मात्र प्रथम फलंदाजी करत असताना वास फेडर ओले संघ 40 पाच षटकांचा सामना 40 धावा धावपळकावर लागल्यात अजूनपर्यंत षटकातील काय चेडू शेष सुमित पाटील आता मात्र पाहतात अपडेट पाठवतात सामने चालू आहेत दापोली गावामध्ये नदा डायरेक्ट करण्याचा प्रयत्न परंतु प्रयत्न फसतो होतो चुकतो आहे पुन्हा एकदा चेंडू जातो आहे संघाची धावसंख्या मात्र झाली ती मात्र आतापर्यंत स्कोर झाला आहे 41 41 धावा धापलकावर दोन पंच अतिशय जबरदस्त खेळाडू विशाल जितेकर संदीप चव्हाण लिव्हर शॉट ह्या शॉट विसरण्याच्या मैदानावर लगावले होते कडक शॉट आणि तोच फेवरेट शॉट मारतोय तो मात्र प्रसाद गायकवाड यासाठी ओळखला जातोय आणि संघाची धावसंख्या धापकावर लागतो ती मात्र 45 स्कोर मात्र चांगला झालाय भरोशाच्या फलंदाजाने केलेली नाराजी अश्विन सस्त्यामध्ये बाद झाला प्रतीक सस्त्यामध्ये बाद झाला त्याच्यानंतर मात्र प्रसादने खेळ सावरलाय सुंदर कामगिरी केली 20 धावा काढलेल्या आहेत प्रतीकने पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा रिव्हर्स लागवण्याचा प्रयत्न मोनिश एक जबरदस्त गोलंदाज कामगिरी चांगली करतोय कमबॅक करतोय नियंत्रण ठेवले आपल्या गोंदाजीवर तर पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात समोर फलंदाज प्रसाद गायकवाड सुंदर झेल घेतोय करण भुईर झेल घेतोय आशिष मुती कुंडेवाल या नावाने आपण स्पर्धा पण पाहिली तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय सुजल प्रत्येकने धावा दिल्या काढल्यात 20 त्याच्यामध्ये चांगली अशी फलंदाजी आहे प्रसादने पण चांगली फलंदाजी केली सर्व ओवल्याच्या खेळाडूंनी सामना रोखून ठेवला आहे परंतु गोलंदाजी मात्र चांगली होतोय कुंडेवा संघाची तर स्कोर झाला आतापर्यंत धावपळकावर धावा लागल्यात
त्या मात्र 45 तर शेवटचं शतक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलाय आशिष स्मृती कुंडेवा संघाकडून वेगवान असा गोलंदाज जितू गायकवाड। समाधान भास्करच्या टीम मध्ये नवीन नवीन चेहरे पाहायला मिळतात, फक्त एक संतोष पाटीलची कमी आहे, बाकी सगळे भरलेले आहे। पुढचा चेंडू जितू गायकवाड गोलंदाज, तर प्रशांत मुंगाजीसाठी चेंडू भरतो आहे। चार पाच पावलांचा स्टार्ट आहे आणि यष्टीरक्षक यष्ट्यांपासून वंचित समाधान वास्कर AK-47 बघा लिंगातनं चेंडू सुटला होता बरं तो कमबॅक, बॅकअप चांगला मिळतोय, सुंदरशी कामगिरी करावी लागेल। 24 लाईव्हच्या माध्यमातून आपण सामन्याचं कव्हरेज पाहतो, दोन दोन कॅमेरे इथे उपलब्ध केलेत या स्पर्धेसाठी। तर पुन्हा एकदा पाहूया विशाल जितेकर रनर त्या उन्हामध्ये आपला डिसिजन चोख बजावतोय, सल्यूट आहे तुमच्या कामगिरीला। चेंडू केलाय सीमापार आलाय हा आणि फलंदाज वाटत झेलबाद सीमारेषेवर झेल घेतलाय आणि नवे बाद झालेत गडी मात्र। स्कोर मात्र आहे त्या स्थितीमध्ये, जबरदस्त धावसंख्या उभारली 46 धावा धावलकावर। तर पाहूया या षटकातील काय चिंता खेळ बाकी असेल, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आतमध्ये पंचांकन गाठ घेऊन खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे समीर गायकवाड। पाच षटकांचा सामना आहे, टाइम लिमिटेड झालेला आहे आणि एक खेळाडू आतमध्ये बरोबर आहे, अतिशय जर्जेदार लक्ष आहे ते मात्र विशाल जितेकर यांचं। 25 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये जर इनिंग संपली नाही तर तुमचा एक खेळाडू हा सर्कलच्या आतमध्ये येणार, टाइम लिमिटेड झालेला आहे। दर्जेदार कामगिरी, जबरदस्त कामगिरी, पुन्हा एकदा डावखुरा फलंदाज झालेला आहे समोर समीर गायकवाड। तर या षटकातील काय जुना खेळ बाकी असेल, शेवटचा षटक हाताळतोय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळतोय कुंडेवा संघाची। केडीएस स्पोर्ट्स वागिलवाडा आणि ओम साई भंगारपाडा, सूरज पाटील आणि समीर कटेकर यायचं आहे आपण कासवींसाठी लवकर लवकर। केडीएस स्पोर्ट्स वागिलवाडा संघाचा संगणक आणि ओम साई भंगारपाडा संघाचा संगणक, आपण टॉससाठी लगेच संपर्क करा टॉस बॉक्समध्ये। तर पंचांची भूमिका पार पाडतील विश्वजीत म्हात्रे उर्फ आव्या। स्कोर झालाय आतापर्यंत धावा झाल्या धावलकावर 46, धावा झाल्या 46। पुढचा चेंडू या षटकातील, जबरदस्त बॅट फिरवली होती परंतु चेंडू जातो अवांतर, धावसंख्या 47। वॉलस नेम जितू गायकवाड, पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात या षटकातील काय चिंता खेळ बाकी असेल, अप्रतिम सामने पाहायला मिळतात, सर्वात दर्जेदार सामने पाहायला मिळाले। गुड नॉट एक तमाशा देख चेंडू जातोय, सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले, समाधान भास्कर यष्टीरक्षक। तर षटकातील चेंडू बाकी असतील, धावसंख्या 48, चेंडू बाकी असतील 2। पाहूया किती धावा येतात आणि आता मात्र चेंडू जातोय 7 धावांसाठी
षटकार 54 धावा मोठी जुई इथे 50 धावा मारल्यात नाही ते मात्र षटकार ठोकतोय ते मात्र प्रशांत मुंगाजी समालोचक मित्र दरम्यान पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात एक धाव तर पुन्हा गेले दुसऱ्या घेण्याचा प्रयत्न दोन धावा सहज गत्या पूर्ण आणि या पाच षटकांच्या समाप्तीमध्ये संघाची धावसंख्या दबकर लागतो ती मात्र बॉस फायटर रोवले 56-57 अश्विन पाटील लाईन अप मध्ये जायचं आहे 56 झाले 57 धावांचा टार्गेट आहे चला केडीएस स्पोर्ट्स वागेलवाडा संघाचा संगणक आणि ओमसाई भंगरपाडा संघाचा संगणक त्यासाठी संपर्क करा लवकर लवकर तर ऐकूया पुढचा आवाज बाबूशा अरे कांचन भारकर आपण आपला कामगिरी बजवा आणि तर आमचे साहेब सागर पाटील मॅनफॉर्म दापोली जरा बाहेर चाललेत आणि बाबूशा या मयूर वास्कर याच मैदानावर त्यांनी हेलिकॉप्टर शॉट 5-5-6 मारले होते जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे मयूर वास्कर पनवेल प्रीमियर लीग ला पण बहरला होता और आज के दिन में अपनी बाहर रखे हुए इधर खेलने के लिए आहे विराज गायकवाड़ प्रतीक पाटील जरा लवकर लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि सलामीच्या फलंदाज पाठवा AK-47 चेंडूची पाहणी करा तर हिंदी के बेताज बादशाह बाबूसा किधर हो आ जाओ इधर उधर मत भागो बाबू जानी वास्कर निकालने हैं 30 गेंदों में स्कोर लिया लोकर लोकर रतन भुईर आणि समाधान वास्कर एचडी स्पोर्ट्स बैट घेऊन मोनिश ने काय गोलंदाजी केली दर्जेदार ते सागर भाऊ इकडे स्कोरल पाठवा एक विशाल भाई एक स्कोरल ले तर ऐकूया पुढचा आवाज बाबूशा यांचा तो श्री चलेंगे आज का दिन का बात करेंगे तीसरा मुकाबला देखिए पहली राउंड की और इसके बाद देखिए आखिरी मुकाबला खेला जाएगा
चलिए चलेंगे मुकाबले की तरफ, टारगेट की बात करेंगे। टारगेट देखिए यहाँ से 57 रनों की टारगेट है। मैदान के ऊपर देखिए बात करेंगे, समाधान वास्कर मेरे लिए कुंडवाल टीम, देखिए एक टीम है पहले, देखिए अपने दो मुकाबला जीत कर दिन के आखिरी मुकाबला क्वार्टर फाइनल है सेमीफाइनल में इंतजार कर रहे हैं। और समाधान वास्कर देखिए मिस्टर AK-47 स्क्वायर कट देखिए बहुत ताकतवर चौका, वेदांश गायकवाड़ देखिए बात करेंगे। यहाँ पर से OPL चल रहा है बड़ी तेजी से, देखिए बात करेंगे वाला प्रीमियर लीग है, और उसके बावजूद भी देखिए यहाँ से बात करेंगे कुछ खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और कुछ खिलाड़ी के घर उपस्थित है। मैं देखिए बात करेंगे यहाँ पर वास्पाइटर ओले टीम है, और एक स्क्वायर कट देखिए समाधान वास्कर यहाँ पर रन मशीन कुंडेवाल थे कि हमारे बल्ले से आता हुआ दूसरा चौका। तो चलिए यहाँ पर KDH वकील उड़िया टीम के खिलाड़ियों से गुजारिश करना चाहेंगे, कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए यहाँ पर लेफ्ट साइड में जीवन गावन सर भी देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं पूरी टीम कानवा स्पोर्ट्स, देखिए कुंडेवाल टीम है। तो चलिए ओम साहिब भंगरपड़ा टीम के कप्तान सर KDH वाघवेली वड़ा टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे टॉस के लिए आइए, यानी समाधान वास्कर देखिए ये मुकाबले को काफ़ी जल्दी समाप्त करने के पीछे पड़े। एक मेरे लिए बस देखिए कुंडवाल टीम है सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और एक देखिए बात करेंगे कानवा कुंडवाल टीम है पहला मैच को संघर्ष कर रही है। पहला तीन गेंद में देखिए पर 14 रन आ चुके हैं, और ये चलिए भाई बात करेंगे यहाँ पर, और एक बार ऑन साइड पर खेला पर कोई फील्डर नहीं, समाधान वास्कर देखिए रनों की कर रहे हैं बारिश भाई यहाँ पर से लेजेंड खिलाड़ी देखिए ललचंद गवन सर देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, अंपायरिंग की दुनिया में भी तशरीफ रख चुके हैं, और उसके साथ देखिए ओम साहिब भंगरपड़ा टीम के कप्तान से आपको भी आना होगा। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 18 रन है, और जहाँ पर आपको टारगेट मिला है देखिए 57 देखिए 57 रनों की, ओह समाधान वास्कर देखिए अपनी क्लास दिखाते हुए मैदान के चारों बाजों में रनों की बारिश, और पहला ओवर को कंप्लीट ऐसा कर दिया, कहते हैं ना प्रेमी बदल गए प्रेम बदल गया, और अभी भी इस ओवर की देखिए आखिरी गेंद है, 5 गेंद में पूरी तरह से गेम बदल दिया 22 रनों, क्यों मिस्टर AK-47 कहा जाता है, भलाई गोलियां हम उड़ाते हैं लेकिन बल्ले से वो गोलियां उड़ाते हैं तेज। सागर पाटिल देखिए देख सकते हैं नींबू पानी के आनंद लेते हुए, और ये चलिए भाई यहां से जो AK-47 बात कर रहा था और हेलीकॉप्टर, और पहला ओवर में देखिए रन कितना आ गया भाई 28 रन, यानी आधा सफर पहुंच गए भाई। चलिए सिद्धेश वास्कर देखिए यहां पर सर लालचंद गवन सर देखिए एक लेजेंड खिलाड़ी, टॉच के लिए गुजारिश करना चाहेंगे, सुमित पाटिल देखिए इनके हाथों से टॉच किया जाएगा। चलिए सिद्धेश वास्कर आइए टॉच के लिए, सुमित पाटिल देखिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं, 5 ओवर का मुकाबला रहेगा, और देखिए मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर सिस्टम देखिए यहाँ से अश्विन पाटिल देखिए बल्ले से शायद मुझे लगता है बल्ले से 12 रन जोड़े थे, और ये देखिए भाई दोनों बैटर खोल चुके हैं, और एक चौका आता हुआ, यानी यहाँ पर टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 32 रन। आज कुंडवाल तीन है, मैं कहूँगा आज तीन शायद
मेरे लिए स्पर्श कुंडवाल टीम देखिए दो मुकाबला जीती, लेकिन उस मुकाबले को भुला नहीं पाएगा जिन्होंने दापुली टीम है। ओम साई भंगरपड़ा टीम के कप्तान सिद्धेश वास्कर ने टॉस जीते हैं और पहले गेंदबाजी चुने हैं। और यहां से देखिए टीम का स्कोर 32 रन। रतन भोईर देखिए बात करेंगे बैटर की, बड़ा अच्छा गेंद, वाइट का मांग किया जा रहा था लेकिन टॉट के नियम से समाप्त होता हुआ तो फिर का देखिए लगभग 3 के करीब पहुंचता हुआ और एक अप ड्राइव देखिए यहां से फील्डर रहे, थोड़ा सा लंबा रेस भागना पड़ा और गेंद को यहां पर रोके, लेकिन दोनों बैटर को यहां से 2 रन से नहीं रुक सके। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच गया देखिए 34 रन। देखिए 57 का टारगेट कोई बुरा नहीं था लेकिन पहला ओवर में देखिए 28 रन, बहुत बड़ी मंचिल देखिए तैयार किया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं भाई रतन भोईर देखिए यहां पर भाई रतन देखिए अपना यहां पर चेतन करना होगा आपको। ये रिवॉज देखिए शायद अभी जो सोच रहे होंगे विश्वजीत मात्रे कोई खराब नहीं था उनकी शॉट में लेकिन गैप नहीं मिला था और उनका जैसा विकेट गिरा था जो इन्होंने दापोली टीम उसके बाद देखिए घुटना टेक दिया स्लोर किए ना संदीप भोईर की गेंदबाजी के सामने 35 रन और 2 ओवर देखिए अभी तक 21 शेष है और यहाँ पर पिछला मैच देखिए 4 ओवर का था और मैच आखिरी गेंद तक पहुंच गया जाकर हम। और ये चलिए भाई यहाँ पर बड़ा हिट है और काम भी फिट, क्या बढ़िया छक्का देखिए यहाँ पर बल्ले के पीछे पीछे आया यहाँ पर और फील्डर थे वहां पर लेकिन बन गए दर्शक और जब दर्शक खेमा से गेंद आता तब तक देखिए यहाँ पर टीम का स्कोर जाकर पहुंच चुका है 41-41 रन। 2 ओवर कंप्लीट है 41 रन देखिए पहुंचा है जाकर। अभी जीत की बात करेंगे तो 16 की जरूरत है, 18 गेंद से है। इस ओवर में केवल 13 रन खर्च किए, ओवर अच्छा खासा चल रहा था। विनीत पाटिल देखिए नई गेंदबाज है और स्ट्राइक पर रहेंगे देखिए रतन। हल्की हाथों से रतन ने खेला यहां पर से और गेंद देखिए यहां पर हरकत लेकर घुमा लेकिन 1 रन था वहां, फील्डर कवर कर लिए थे लेकिन यहां से देखिए बात करेंगे अभी भी देखिए 15 रनों की जरूरत है लेकिन से 1-47 समाधान वास्कर कितना जल्दी मैच को समाप्त करेंगे। अभी तक देखिए समाधान वास्कर की बात करेंगे कोई सिंगल नहीं, कोई डॉट गेंद भी नहीं, कोई सिंगल भी नहीं और अभी तक देखिए यहाँ पर और एक चौका था वहाँ। अभी तक यहाँ पर समाधान वास्कर की बात करेंगे ना 8 गेंद का सामना किए हैं और 8 गेंद में देखिए 3 छक्का 5 चौका। जिसमें 5 चौके 3 छक्के दागे हैं। कल वाउंचा के मैदान के पर 8 गेंद के पर 8 छक्का बंटी हुए पटेल सिद्दीक करोले दागे थे 10 गेंद में 38 शतक लेकिन उसके बाद रात का आखिरी मैच के हवाले से उन्हें हार रहा देखना पड़ा था। समाधान वास्कर देखिए 9 गेंद पर पहला सिंगल उन्हें आता हुआ उनके खातों पर और अभी तक इनिंग में देखिए 5 चौके 3 छक्के 39 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए समाधान वास्कर रहा। और एक टाइमिंग देखिए भाई और कैच भी छूटा शायद पर्दे पे हिट हुआ 6 रन। चलिए 53 रन देखिए यहां से बनता हुआ जिससे केवल 4 रन दूर और ये चलिए अगर यहां से चौका हुआ तो फिर मैच समाप्त हो जाएगा। 1 रन काफी जल्दी देखिए मुकाबले को समाप्त कर रहे हैं, समय बचा रहे हैं कहीं ना कहीं।
लगता है जल्दी थोड़ा सा शाम है को घर वापस से यहाँ से एक गेंद से अभी भी आखिरी गेंद और इसके बाद भी देखिए बात करेंगे चौथा मैच तीन मुकाबला बचा है जहाँ पर अगला मुकाबला देखिए पांच ओवर का रहेगा उसके बाद सेकेंड राउंड का दो मुकाबला रहेगा टॉस जीते यहाँ से बात करेंगे हमसे भंगर पर टीम लेकर पहले गेंदबाजी चुने हैं और देख रहे हैं यहाँ पर चेसिंग करना बड़ा आसान हो रहा है लेकिन जहाँ 33 का टारगेट है यहाँ सताएगा भाई यहाँ पर लग रहा है अगले ओवर तक मुकाबला जाएगा दो रनों की जरूरत है यहाँ पर समाधान वास्कर 40 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए समाधान वास्कर जहाँ पर 40 रन बनाए हैं वहां पर 15 रन बनाकर देखिए बात करेंगे रतन बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक कोई खराब गेंद नहीं एक्स्ट्रा गेंद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन 12 गेंद दो की जरूरत है विश्वजीत माथरे देखिए अंपायरिंग कर रहे हैं और शायद दिमाग में अभी भी उनका वो मैच घूम रहा होगा तो चलिए मैच को फिनिश किया पर 47 समाधान वास्कर 44 रनों का इनिंग्स रहा इस मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट यहाँ पर समाधान वास्कर तो चलिए सेकंड करके निकलना होगा टीम को देखिए बात करेंगे और समाधान वास्कर देखिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच मिस्टर AK-47 इस तरह के कैप उनके घुमा लेते हैं और मैच को ऐसे घुमा देते हैं तो चलिए ओमसाई बंगरपड़ा टीम हम मैदान पर उतरिए वक्त मत लीजिए टॉस जीते हैं अपने तीन मैच और खेला जाना है सागर पाटिल फिर से एक बार जुड़ जाएंगे मैं तो मैच का अवार्ड देने के लिए गुजारिश करना चाहूंगा सुमित पाटिल देखिए इनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा समाधान वास्कर आई हिटमैन रियल हिटमैन बात करेंगे ना समाधान वास्कर देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन बात देना चाहूंगा मिस्टर AK-47 और जो AK-47 मेरी देखिए आवाज बड़ा फेमस मैं भी बनाऊ इस AK-47 से और 44 रनों के इनिंग से देखिए समाधान वास्कर इस मैच के मैन ऑफ द मैच आज कुंडवाल टीम का आ जाए तो मेरे लेवल्स कुंडवाल टीम देखिए पहला दो मुकाबला जीता है यहाँ पर सिकानवा कुंडवाल टीम देखिए पहला मुकाबला जीते हुए और देखते हैं यहाँ पर आशीष मोती आशीष मोती देखिए आज कुंडवाल